आज यार मेरे सब्सक्राइबर्स में से एक बंदा मुझसे बोलने लगा, भाई तू गेम खेलना नहीं आता है तुझे। तो आज तुम लोग के लिए मैं प्रूफ के साथ लेकर आ चुका हूँ अपना मोबाइल गेम प्ले, जिसके अंदर मैं चैलेंज अपने आप को दूंगा। तो चलो फिर जल्दी स्टार्ट कर लिया है हमने गेम। और सबसे पहले राउंड में मैं क्लैश स्क्वाड रैंक के आ चुका हूँ। मैंने M500 को ले लिया अपने हाथ में और मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने इस राउंड में पूरी स्क्वाड हेडशॉट के साथ निपटा दिया M500 से, तो मैं एक अच्छा प्लेयर अपने आप को मानूंगा। और तुम लोग भी कसम खाओ जिससे तुम प्यार करते हो, अगर मैंने पूरी स्क्वाड निपटा दी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करके जाओगे। तो ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो आप लोग अगर जब भी क्लैश स्क्वाड खेलो, आप लोग अगर इस मैप में आओ तो हमेशा इस साइड से ही निकलना, क्योंकि इस साइड से निकलोगे तो एक आध बंदा तुम्हें ओपन में मिल जाएगा, उसे तुम इजीली मार सकते हो। जैसे कि मैं मारूंगा हेडशॉट, ये लो हेडशॉट, और ये ऊपर से एक गिरा और इसको भी हम लगा देंगे दिमाग में इसके हेडशॉट, और एक साइड से और कूदा, इसको भी हम पूरी ट्राई करेंगे और ये अब लग जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यार मेरी एक समझ में नहीं आ रही थी बात, गोली तो पड़ रही थी लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था साला गोली कहाँ से पड़ रही है। तो पहले इसको फिनिश कर लेता हूँ, इसको जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। चलो ये अपने आप ही फिनिश हो गया। तो एक बंदे को और मारना है, और अगर मैंने एक बंदे को लास्ट वाले को हेडशॉट से मार दिया तो आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे साथ खाई थी कसम। तो एक बंदा रह गया भाई, इसके भी लग गया हेडशॉट, किल भी आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। तो पूरी स्क्वाड मैंने हेडशॉट से निपटा दी है। होप आप लोगों ने अपनी कसम निभाई होगी और मेरे चैनल को करा होगा सब्सक्राइब। तो चलिए फिर हम दूसरे राउंड में आ चुके हैं, और दूसरे राउंड में सबसे पहले तो मैंने एक शॉटगन ली थी, फिर उसके बाद मैंने एक ग्लू वॉल लिया, फिर उसके बाद मैंने एक ग्रेनेड ले लिया। इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बनता है, वो आपको अभी वीडियो में पता चलेगा इन तीनों का कैसे यूज़ करा जाता है एक साथ। तो सबसे पहले जब आप ऐसी पोजिशन में आए, शिपयार्ड में आए, मतलब जहाँ कंटेनर वगैरह पड़े होते हैं, आप लोगों को सीधे सीधे जाना है। अगर आप घूम फिर के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो इन्हें भी मिल ही जाएगा और आप पे अटैक कर देगा और आपको अकेले घेर लेगा। आपको सीधे फेस टू फेस जाना है, उनको हैंडल करना है, तभी आप खेलना सीख पाएंगे। जैसा कि मेरे सामने एक बंदा है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ M500 से हेडशॉट लेने की, पर नहीं लगा। तो कोई बात नहीं गाइस, हमको उदास नहीं होना है, हमको मेहनत करनी है और हमको हार नहीं माननी है। हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, बस आप लोग यार सपोर्ट करो। तो जैसा एक बंदा हमको यहाँ साइड में मिला, हम इसको हेडशॉट मारने की ट्राई करेंगे, लेकिन यार मेरा ट्रैक बटन ही काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन कई सारे बंदों के साथ फंस जाती है। इसको भी मैंने मारने का काम करा लेकिन यार बटन ही काम नहीं कर रहा मेरा, अब क्या करूँ मैं। तो जल्दी से मैंने लगाया ग्लू वॉल। आप समझ गए अब किस लिए होता है ग्लू वॉल, होता है एक पीक लेने के लिए। तो मेरे ज़्यादातर सारे बंदे मेरे नॉक हो चुके हैं, तीनों के तीनों बंदे नॉक हैं और मैं बचा हूँ, और सामने अकेला एक टीम वाला बंदा, और मैंने उसको देख लिया कहाँ पर बैठा है। अब मैं उसको कंफ्यूज करने के लिए एक मारूंगा ग्रेनेड। अब वो सोचेगा भाई इस पर एक ही ग्रेनेड था, अब ये मुझ पर हमला नहीं करेगा। और जैसे वो नीचे कूदा मैंने तुरंत उसके हेडशॉट रख दिया और विक्ट्री हो गई। तो आपने देखा किस तरीके से पिछले राउंड में मैंने ग्लू वॉल का और ग्रेनेड का आत्म को यूज़ करना सिखाया। अब तीसरे राउंड में हम लोग आ चुके हैं, और तीसरे राउंड में फिर से मैंने वही सामान लिया है, बस इस बार मैंने एक ग्लू वॉल भी नहीं लिया है, तो मुझको शायद आगे दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्या होगी आप लोग अभी खुद देखिएगा वीडियो में। अभी मैंने ग्लू वॉल नहीं लिया है, और ग्लू वॉल ना लेने की वजह से मुझको क्या प्रॉब्लम होगी आपको अभी आगे वीडियो में पता चलेगा। जैसे ही राउंड शुरू होता है मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ से साइड से निकल जाता हूँ। आप जब भी क्लैश स्क्वाड अगर खेल रहे हो तो आपको हमेशा साइड चूज करनी है, एक साइड से आपको निकल जाना है, आपको बंदे मिल जाएंगे, आप इजीली उनको हेडशॉट मार सकते हो, जैसे मैंने मारे अभी। और इसको भी हम रख देते हैं हेडशॉट, और एक और था इसके साथ, उसको भी मैंने रख दिया हेडशॉट। और ये ऊपर वाला बंदा भाई देखो लेट गया है, और मैं पहले समझ रहा था ये मर गया है, ये पीछे मुझ पर फायर कर रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था भाई फायर आ कहाँ से रहा है। अब देखना मेरे पास ग्लू वॉल ना होने की वजह से मैं कितनी बुरी तरीके से इस बंदे के हाथों मरूंगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ एक ना एक ग्लू वॉल तो अपने पास रखा ही करो आप। जैसा कि मैं इसको मारने गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको डैमेज दिया लेकिन यार मैं फंस गया वहीं पर और मैं मर गया। अगर मेरे पास ग्लू वॉल होता तो मैं ग्लू वॉल लगा कर बच जाता। तो इसने मुझे कम्प्लीटली फिनिश कर ही दिया, और ये बंदा मुझसे शायद जलता था, पता नहीं क्या हेटर था, उसने मुझे कम्प्लीटली फिनिश कर दिया। और यहाँ पर मेरी खूनी आत्मा एक वो था मेरा फ्रेंड, और ये भी खेल रहा था साथ में। तो इन लोगों को जब पता चला भाई साहब ये तीनों तो पागल हो गए भाई, ये लोग बोले यार तूने अर्श भाई को मारा, चलो ये लोग बदला लेना मेरे चले गए। लोगों ने मेरा बदला लिया तो भाई इनसे तो मैं खुश हूँ काफ़ी। तो अब आ चुके हैं लास्ट राउंड पे, जो कि मैच पॉइंट है अपना। और इस राउंड में मैंने एक ग्लू वॉल लिया, एक हेलमेट, एक वेस्ट और एक M5 MP5।
तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया रहता है। MP5 देखो, अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो तो MP5 सबसे अच्छी गन रहती है, अगर मेरी बात मानो तो। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ कर दो ना यार, क्या जा रहा है तुम्हारा, बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले को। तो अभी MP5 हम लेकर आ चुके हैं। आप लोग अगर इस मैप में आए ना, तो इसको मतलब मैं इसका नाम भी भूल चुका हूँ, तो आप लोग सीधे सीधे जाइएगा, आपको बंदे दिखेंगे सामने आते हुए, आप लोग सीधे ऐसे हेडशॉट रख सकते हैं, ऐसे सीधे सीधे आपका हेडशॉट लगेगा। आप लोग साइड से भी एक बंदा दिखेगा, तो मैंने इधर से भी हेडशॉट रख दिया। अब बंदे रह गए थे उन सामने वाली टीम वालों के दो, और हम और हमारी पूरी स्क्वाड अभी भी जिंदा थी, तो आपको पता ही लगा होगा अब जीतने वाला कौन है। तो उनका सिर्फ एक बंदा रह गया था जो कि अंदर खड़ा था, मैंने उसको हेडशॉट लेने की ट्राई करी, मैंने एक और बार ट्राई करी लेकिन नहीं लगा। लेकिन फाइनली मेरे एक सब्सक्राइबर ने या फिर जो मेरे साथ खेल रहा था उसने मार दिया था, इसी तरीके से हमारी विक्ट्री हो गई। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।